सो गाइस दिल्ली में होने वाला है डीजे एक्सपो जो खराब मौसम के कारण कैंसिल हो गया ऐसा सुनने में आया है। क्या वाकई में डीजे का एग्जीबिशन इस बार कैंसिल हो गया है या उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है? हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो गाइस आज हम आपको कंप्लीटली जानकारी देंगे कि इंडियन डीजे एक्सपो यानी जो दिल्ली में 20 से 22 जुलाई के बीच होने वाला था वो करंटली कैंसिल हो गया है ऐसा सुनने में भी आया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो डीजे है उसकी डेट है वो आगे ले ली गई है। तो लेकिन गाइस अभी वास्तव में क्या स्थिति है, क्या डीजे एक्सपो कैंसिल हो गया है या उसकी अगली डेट आई है तो कौन सी डेट है? सो गाइस आज के इस वीडियो में ये आपका सारा का सारा डाउट क्लियर करने वाला है। वो ऐसा कि गाइस 15-16-27 तारीख को दिल्ली के अंदर भयंकर बारिश थी और बाहर के एरिया यानी दिल्ली के जो नियर बाय एरिया वहां पर भी काफी ज्यादा बारिश थी। इसके कारण काफी ज्यादा रास्तों पर जाम लग गए हैं और काफी ट्रेनें भी रद्द हो गई है, ऐसा मतलब बहुत कुछ हुआ है। तो अभी क्या है कि जो भी एग्जीबिशन में भाग लेने वाले थे यानी बूथ जो लगाने वाले थे तो 20 तारीख के एक्सपो के लिए वो कम से कम 15 या 16 तारीख या 17 तारीख को निकलने वाले थे, लेकिन इस टाइम में ज्यादा बारिश होने के कारण वो एग्जीबिशन में नहीं आ पा रहे हैं और यहाँ पर दिल्ली का पहले से हाल खराब है। तो इसके कारण उन्होंने मना कर दिया कि इस बार हम एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ऐसे करके काफी सारी कंपनियों ने इस तरह से उनको मना कर दिया कि हम इस बार अपने एक्सपो में अपना बूथ है वो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि मौसम खराब के कारण माल को कैरिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, लगाने में, सेटअप करने में। और हालांकि 20 तारीख के आसपास है वो दिल्ली का मौसम भी साफ है, अभी जो इतना है उतना नहीं है, लेकिन करंटली टाइम में मौसम खराब होने के कारण वो अपना माल सेटअप नहीं कर पाते हैं। तो इसके कारण काफी सारी कंपनियों ने उनको मना कर दिया कि इस बार हम एक्सपो को पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके कारण काफी सारी कंपनियों ने मना कर दिया तो लोग कह रहे हैं कि एक्सपो कैंसिल हो गया। लेकिन गाइस वास्तव में यह है कि अभी जो इंडियन डीजे एक्सपो के जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने किसी तरह का अनाउंसमेंट नहीं किया है कि एक्सपो कैंसिल हो गया। हाँ, एक्सपो इस बार भी लगेगा लेकिन उसके अंदर जो मेन ब्रांड्स है वो ब्रांड्स वो नहीं आ पाएंगे। अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कौन कौन से ब्रांड रहेंगे, कौन कौन से नहीं आ पाएंगे वो भी क्लियर कर दूंगा। इस एक्सपो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, काफी सारे ब्रांड्स है वो नहीं आएंगे। कुछ चुनिंदा ब्रांड्स आ पाएंगे जो दिल्ली के नजदीक एरिया में से है तो वो ही लोग आ पाएंगे। इसके कारण फ्रेंड्स एक्सपो के अंदर इस बार काफी सारे स्टॉल है वो नहीं लग पाएंगे। अब गाइस आपको आना है या नहीं है अब वो आप खुद तय कर लीजिए। और ये भी अभी क्लियर नहीं है कि कुछ कंपनियों ने जो मना किया वो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। वो अगर 20 तारीख से पहले हालात अच्छे हो और वो एग्जीबिशन तक पहुंच पाए तो वो आ सकते हैं, लेकिन अभी क्लियरली मतलब कुछ हुआ नहीं है कि बिल्कुल आएंगे नहीं या एक्सपो हो गए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ, एग्जीबिशन होगा इस बार भी लेकिन पहले से बूथ है वो थोड़े कम देखने को मिलेंगे। तो ये मिलता है हमें नोटिस, इंडियन डीजे एक्सपो कैंसिल नोटिस मिलता है। नीचे उल्लिखित ब्रांड भाग नहीं ले रहे हैं। भारतीय डीजे एक्सपो दिल्ली के मौसम की स्थिति के कारण हम सूचित करते हैं आप अपनी यात्रा से बसे। और यहाँ पर आपको कुछ कंपनियाँ मिलती है जैसे स्टैन जिया एसएलवी टर्बो ओडियो बैसम क्यूडी ऑडियो मिंटो इलेक्ट्रॉनिक अराउंस यामा स्टैंजर और यहाँ पर आप JBL काफ़ी सारी कंपनियाँ देख सकते हो। और ये हमें इस एक्सपो में पार्टिसिपेट है वो नहीं कर रही है ऐसा इनका नोटिस है। और इसके अलावा और भी कुछ ब्रांड है जो यहाँ मेंशन नहीं किए हैं और वो भी एक्सपो में पार्टिसिपेट है वो नहीं कर रही हैं। इसके अलावा कुछ कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात की जिन्होंने भी यही बताया, आप खुद सुन लीजिए। जी सर, बारिश तो है ही पर अभी तक यही अपडेट है, बड़े ब्रांड कोई भी नहीं लगा रहे हैं दिल्ली वाले, बाकी तो जो नॉर्मल लगाते हैं वहाँ पे वो लोग लगाने का है और बाकी फिर बारिश में। मतलब कुल मिलाकर बारिश पर डिपेंड है कुछ कंपनियों का जो लगा भी सकती है या फिर नहीं भी लगा सकती है, फिक्स नहीं है। एक बार उन्होंने मना कर दिया है क्योंकि वहाँ का जो काम है वो एक तरह से शुरू हो जाता है काफ़ी दिन पहले ही। सो गाइस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में।